बात करें कि जो 2014 में इलेक्शन हुए थे तो पीएम मोदी की जो कहते हैं वेव थी उसके बावजूद जो है विश्वनाथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो बीजेपी के पास नहीं आई थी। अब 2019 में जब फिर चुनाव आएंगे उसके लिए कितना तैयार है आगे, अभी क्या वहाँ पे भौगोलिक तरीके से किस तरह काम चल रहा है? ये यहाँ तक आपने 2014 में बात की, जो पिछला हमारा विधानसभा क्षेत्र था उसके सीट जो है वो चले जाने की, ये तब की बात थी। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी त्रुटियां जो है वो रह जाती है, लेकिन इस बार हमारी पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है, युवा साथी जो है वो हमारे साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जब भी कभी चुनाव होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, चाहे वो असेंबली का जब भी चुनाव होगा, भाजपा जो है वो विश्नाह में, आरएसपुरा में और अरनिया जो ब्लॉक्स हैं हमारे बहुत ज्यादा मजबूती के साथ होगा। कितने कार्यकर्ता ने ज्वाइनिंग आज आप खुद ही देख रहे हैं कि लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं और वो भी युवा साथी जो हैं, उन्होंने भाजपा जो है उसको अपना भाजपा का दामन जो है वो थामा है। और इससे मैंने जैसे पहले ही बताया कि भाजपा जो है वो ग्रास रूट लेवल पे किसान जो है गाँव में किसानों के जो लेवल है उस तक भाजपा जो है वो बहुत मजबूत है। और इस हीरानगर सांबा के क्षेत्रों से सैकड़ों के अंदर नौजवान हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आम गरीब मजदूर किसान हर व्यक्ति का कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास इस मिशन के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर चाहे शहर का हो, गाँव का हो, मैदान का हो या पहाड़ का हो, हर जगह का मैदान जो नौजवान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी इस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में आज सैकड़ों नौजवानों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमें उम्मीद है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर इस तरीके से हम बड़े कार्यक्रम करेंगे और हजारों की तादाद में आने वाले दिनों में नौजवान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए काम करने वाली पार्टी है, जिसका एक ही लक्ष्य है, अपने देश की मजबूती, भारत देश की मजबूती, तिरंगे झंडे की मजबूती।